हेलो दोस्तों, मैं हूं नितीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपकी इस अपनी यूट्यूब चैनल टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे हाई ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसमें डैम्पर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्या कारण होते हैं। क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे होंगे एक डैम्पर है जो कि बीच में एक रोड टाइप पे दिखाई दे रहा होगा और इसके दोनों जो किनारे हैं उसमें इसका जो आकार है वो थोड़ा ज्यादा मोटा हुआ है। कुछ ज्यादा ही मोटा भी न होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल ट्रांसमिशन लाइन में क्यों किया जाता है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो हमारे हाई ट्रांसमिशन लाइन के जो स्टील पोल होते हैं और ऊपर में आप देखे होंगे तो इंसुलेटर के बगल में जो कंडक्टर होते हैं उनको दोनों तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो हमारे उसमें वोल्टेज को ले गया जाता है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होते हैं। वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा होने के कारण कंडक्टर में फ्रीक्वेंसी के कारण कांपते भी हैं। और दूसरी बात, जो हवा का प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर से भी कंडक्टर बहुत तेज़ से कांपते हैं। दोस्तों, उसी कंपन को कम करने के लिए वहाँ पर डैम्पर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अब जानेंगे अगर हम डैम्पर का उपयोग उस ट्रांसमिशन लाइन में ना करेंगे तो क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहला तो बात यह होगा कि जो हमारा वाइब्रेशन उस कंडक्टर से जनरेट होगा वो सीधा आकर इंसुलेटर से टकराएंगे और इंसुलेटर से टकराने के बाद वो इंसुलेटर को भी भ्रष्ट कर दे सकता है। यानी कि इंसुलेटर जैसे ही फूटेगा तो जो मेरा कंडक्टर होंगे वो सीधे आकर ज़मीन से टकरा जाएंगे, जिससे कि फॉल्ट भी हो सकता है। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंडक्टर में डैम्पर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह बातें आपको समझ में जरूर आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।